एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ हमारा बेड मेकओवर। सो मैंने अब तक आप लोगों के साथ में रूम मेकओवर शेयर करे, किचन मेकओवर्स, बैल्कनी मेकओवर शेयर करे, बट आज मैं आप लोगों के साथ में अपना बेड मेकओवर शेयर करने वाली हूँ। काफी क्वेश्चंस मेरे पास इससे रिलेटेड भी आते हैं क्योंकि मैंने अपने बेड को काफी बार मेकओवर किया है बट उसका शायद कभी प्रोसेस शेयर नहीं किया है। आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हाउ मच अमाउंट और कितने बजट में हमने हमारे बेड का मेकओवर किया है। सो यस, विदाउट further ado, let's just get started with the video. A choti si ek short story mein batana chahungi. So this was the bed jo hum logon ne ab matlab ye hamara chalta aa raha hai day one se. Shaadi se pehle Vicky ne ye bed purchase kar liya tha. I know bahut sare log jab naye ghar mein jaate hain, nayi cheeze banwate hain, har cheez nayi banwate hain. In fact koi cheez kharab nahi bhi hoti hai fir bhi wo usko change karke naya lete hain, right? So ke sath do teen emotional connections hai. Sabse pehli cheez, this was the first piece of furniture, a wooden furniture which he purchased. Hamari गृहस्थी स्टार्ट हुई है उस बेड से। सबसे पहला जो हमारे जिस घर में मैं एंटर हुई थी उसकी पिक्चर डालूंगी, उसमें सिर्फ एक ये बेड ही अवेलेबल था। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो उसने परचेस करी है। मेरे पास ना जब मैंने अपना डाला ना कि आई एम यूजिंग द ओल्ड बेड ओनली, तो मेरे पास इस तरीके के कॉमेंट्स आए थे। आई एम श्योर ये आपकी शादी में आपके मम्मी पापा ने दिया होगा इसलिए आप इसको चेंज नहीं कर रहे हो। गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग। इनिशियली होता है, बहुत सारा जगह होता है कि ये रिचुअल होता है कि जो बेड वेड होता है, जो बेसिक सामान होता है, वो लड़की के पेरेंट्स आकर के दिलवा के जाते हैं या पैसे दे के चले जाते हैं। कॉमनली आप सुनते हो गए फ्रॉम द डे वन। इवन एक चम्मच से लेकर के बेड तो बहुत दूर की बात हो गई, मैं बता रही हूँ एक चम्मच भी, इवन एक कढ़ाई चम्मच या जो भी चीज़ आप मेरे घर में देख रहे हो ना, एवरी सिंगल थिंग इज परचेस्ड बाय आवर सेल्फ। मेरे मम्मी पापा ने बहुत स्टार्टिंग में जब वी वर जस्ट मैरिड ना, गर्ल्स पेरेंट, मेरे पेरेंट्स ने भी बोला था कि इसका पैसा तुमने चलो ले तो लिया है बट इसका अमाउंट हम तुमको दे देंगे, इसका अमाउंट हम तुमको दे देंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ विक्की। मतलब मैं तो इस चीज़ के ऑब्वियसली शुरू से डे वन से अगेंस्ट हूँ कि नहीं, मतलब नहीं, ठीक है। तो विक्की भी इस चीज़ के बहुत, ही इज़ वेरी, यू नो क्या बोलना चाहिए, उसने नहीं लिया किसी भी चीज़ का एक पैसा, तो मतलब नहीं लिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एज वेल। छोटी मोटी चीज़ें आप उनकी खुशी के लिए खाना वो भर भर के रखते हैं, खाने का सामान दे देते हैं, लाइक मिर्ची दे देंगे, हल्दी दे देंगे, धना पाउडर दे देंगे, वो उनका प्यार है, वो हम लोग ले लेते हैं, बट अमाउंट जो होता है प्यार समझ के हम नहीं लेते भाई। तो अब आते हैं बेड के ऊपर की स्टोरी। तो एक तो इमोशनल कनेक्शन तो ये है कि भाई ये फर्स्ट परचेस फर्नीचर था हमारे घर का, तो हमको उसको चेंज नहीं करना था। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है। एक तो वो सॉलिड वुड का बेड है जो कि बनवाया गया था कारपेंटर के थ्रू, मतलब उसको हिलाने के लिए भी तीन लोग चाहिए, तीन से चार लोग चाहिए, अकेले से वो हिलता तक नहीं है। इट्स दैट स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी। जो कोई चीज़ अच्छी है जो अभी और 10 साल चल सकती है, 5 साल चल सकती है, हम उसको अननेसेसरी क्यों फेंके या क्यों उसको डिस्कार्ड कर दें। बाकायदा हमने उसका मेकओवर किया। सो व्हाट वी डिड टू आवर बेड इज, पहले आप हमारे बेड की जर्नी देखिए। ये एक प्रॉपर ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन कलर का बेड था जो कि इस तरीके का दिखता था। इसके बाद इसमें मैंने फर्स्ट मेकओवर किया था वाइट कलर की शीट लगा करके। वो लगाने के बाद मैंने इसमें 3D शीट्स जो होती है ना वो लगा करके इसका मेकओवर किया था। एंड नाउ हमने इसका क्या करवाया, जो हेडरेस्ट होता है हमने वो चेंज करवा दिया। तो हमने जो हेडरेस्ट होता है ना हमने इसका वो पूरा कटवाया, और कटवाने के बाद हम लोकल वेंडर को बुलवा करके, हमारे कारपेंटरी वर्क चल रहा था तो हमने हमारे कारपेंटर से फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कट करवा दिया, और कट करवाने के बाद एक प्लाई पीछे की खरीदी जो अप्रॉक्सीमेटली हमको 1200 या 1400 रुपए की आई थी। 8 mm की प्लाई है, बहुत पतली प्लाई है, हमने ज्यादा मोटी प्लाई भी नहीं खरीदी है। दूसरा हमारा थॉट ये चल रहा था कि हम जो वॉल है ना बेड की, बेडरूम की जो वॉल है, हम उसी के ऊपर उसको चिपका देते हैं हेडरेस्ट को, बट वो मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि यार ये फिर परमानेंट हो जाएगा, अगर बेड को हमको इधर करना होगा तो फिर हम वो कभी कर नहीं पाएंगे, राइट? वो बेड की लोकेशन सेट वैसी ही हो जाएगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं अपन वॉल पे नहीं करते, अपन बेड के पीछे ही लगाते हैं। तो हम लोगों ने उसके पीछे 8 mm की प्लाई के ऊपर जो फोम वाले भैया लोग काम करते हैं ना, जो गद्दी बनाते हैं, सस्ते में बनाते हैं काफी, उनसे हमने जाकर के गद्दा मतलब प्रॉपर वैसा बनवा के सिलाई लगवा करके और कपड़ा लगवा लिया है। अवर बेड गॉट अ वेरी नाइस मेकओवर, बहुत ही क्लासी एंड शीक एंड मिनिमल लग रहा है वो, और कोई कह नहीं सकता कि वही पुराना बेड है। 76x76 का बेड है ये, काफी बड़ा बेड है एंड इट्स अ किंग साइज बेड, और काफी अच्छा लुक आ रहा है, मतलब पूरा ही चेंज हो गया है ये, और काफी कम बजट में। इसका हमने पे किया है 7000 रुपीज। सो 7000 में हमारा पूरा ये जो, क्योंकि हमने कपड़ा जो है ना वो थोड़ा अच्छा चूज किया था, तो हमारा 7000 रुपए में पूरा पूरा जो बेड है उसका मेकओवर हो गया है एंड इट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। आई वुड इंसिस्ट यू टू रीवैम्प योर ओल्ड फर्नीचर इंस्टेड ऑफ
गोइंग टू बाय अ न्यू फर्नीचर. तो जो चीज हो सकती है रिवैम्प, आप उसको बिल्कुल रिवैम्प करिए. जरूरत अगर आपकी कंप्लीट हो रही है उससे, तो आप बिल्कुल उसको रिवैम्प कर सकते हैं. आप ये किसी भी जो फोम का काम करते हैं, जो सोफा बनाते हैं, जो गद्दे बनाते हैं, उनके पास जाकर के ये काम करवाएंगे ना, तो आपको इतने में मतलब यहाँ ये थाने का चार्जेस था. यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो. अगर हेल्पफुल रहा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.